हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम सेट में से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम सेट। शो दैट प्रूव दैट sec रेस टू 6 थीटा माइनस tan रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा। एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन लिखने का तरीका आपका कैसा है इस पे वो निर्भर करता है कि एग्जाम्पल की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है या कम होती है। सी वे ऑफ राइटिंग, शुरुआत हम ऑब्वियसली LHS से करेंगे। LHS इज इक्वल टू sec रेस टू 6 थीटा माइनस tan रेस टू 6 थीटा। अब हमें रेस टू 6 थीटा का फॉर्मूला तो नहीं पता, हमें फॉर्मूला पता है स्क्वायर और क्यूब का, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सी sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब। यहां हमने फॉर्मूला यूज किया इंडाइसेस का, a रेस टू m रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू m। ओके, इस फॉर्मूला हमने यूज किया और इस तरह लिखा। अब हमें मिल गया sec स्क्वायर थीटा क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज नथिंग बट a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर, इट इज नॉट, यस, यहां a की वैल्यू sec स्क्वायर है और b की वैल्यू tan स्क्वायर है। a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब हो गया sec स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। प्लस ए बी यानी प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का मतलब हो गया tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ सी दिस कैन बी रिटन एज, हमें आइडेंटिटीज जो है वो आइडेंटिटीज पता है, उसमें से वन आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगर हम tan स्क्वायर थीटा ट्रांसफर करेंगे LHS तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम यहां यूज करेंगे, हमें मिलेगा फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और रह गया इन सेकेंड ब्रैकेट sec थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। हमने यहां फॉर्मूला यूज किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन दैट क्वांटिटी, सो दिस कैन बी रिटन एज। अब देखो यहां sec स्क्वायर थीटा है ब्रैकेट स्क्वायर, ये कुछ कुछ a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर की तरह दिख रहा है, a स्क्वायर है b स्क्वायर है। मिडल टर्म जो है वो मिडल टर्म हमें चाहिए 2ab, तो हम a प्लस b
ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है, देखो यहां हम लिखेंगे पहले ए स्क्वायर, इट इज सेक्स स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस मिरर टर्म होती है 2 इंटू ए इंटू बी, तो हम लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया टैन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन ऐसा लिखने से मिरर टर्म का प्रॉब्लम हो गया, यहां है प्लस टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और यहां है प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, तो मीनिंग चेंज हो गया। ये मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहां माइनस थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा लिखता हूं, माइनस यहां हम माइनस लिखेंगे और यहां हम प्लस थ्री लिखेंगे, यानी ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर होगा क्योंकि यहां हमें sec square theta माइनस tan square theta का फॉर्मूला मालूम है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीनिंग चेंज होता है, इसलिए मैंने यहां माइनस टू प्लस थ्री किया, प्लस थ्री करने के बाद क्या हो गया, थ्री माइनस टू इज अगेन वन, so meaning equal हो गया। This can be written as it is equal to ये नहीं आने वाला है, it is equal to ऊपर की जो टर्म है वो टर्म है sec square theta minus tan square theta bracket square, ऊपर की जो टर्म है वो टर्म है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये टर्म एज इट इज आने वाली है थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसका मतलब ये हो गया विच कैन बी रिटन एज सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, मैंने देखा था इट इज इक्वल टू वन, वन स्क्वायर इज नथिंग बट वन प्लस एज इट इज 3 sec square theta into tan square theta, वही आगे जैसे 1 plus 3 sec square theta into tan square theta which is equal to R H S, hence the proof। हमने क्या देखा, once more sec raise to 6 theta minus tan raise to 6 theta, इसे हमने convert किया sec square theta cube minus tan square theta cube, क्योंकि हमें स्क्वायर और क्यूब इतना ही फॉर्मूला मालूम है, उसके आगे के फॉर्मूले दसवीं में नहीं है। यहां हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें ये मिला, इसका मतलब वन हो गया, ये टर्म जो है ये ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर में हमने कन्वर्ट की, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये टर्म आपको सीधी तरह मालूम होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर एक टर्म आपको मालूम होती है तो आरएचएस तक जाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।